चलिए आपके लेक्चर का रिवीजन वीडियो, इसमें हमने स्टार्ट किया था इट इज अल्कलाइन अल्कलाइड, तो उसमें अल्कलाइड्स के लिए कौन सी चीज़ बोली थी कि अल्कलाइड्स में हेलोजन कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जिस वजह से कार्बन पर क्या होता है इट इज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो यहाँ जो अटैकिंग एजेंट अटैक करता है वो कौन होता है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सी चीज़ें कार्बन पर सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड रिएक्शन अबाउट दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर हमने कौन सी चीज़ देखी थी कि क्या ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस भी होती हैं, तो इसके लिए हमने बोला था कि हमने लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का क्राइटेरिया देखा था ना। तो अब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जो होती है उसके लिए क्राइटेरिया क्या था कि कोई बेस जितना ज़्यादा वीक होता है उतना ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो अल्कलाइड्स पर होने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो लीविंग ग्रुप होता है वो कौन होता है, इट इज एक्स निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो एक्स निगेटिव होगा ये क्या होता है, एच एक्स का कॉन्जुगेट बेस होता है। एच एक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। बेस यदि वीक रहेगा तो वो क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इट इज अच्छा लीविंग ग्रुप होता है ना। तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज वीकर बेस, बेटर इज द लीविंग टेंडेंसी। अब क्या होता है, अल्कलाइड में एक्स निगेटिव जो है वो वीक बेस है जो लीविंग ग्रुप था, तो क्या रहेगा, अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पर आएंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल को आसानी से रहने के लिए जगह दे देता है। ठीक है, उसके बाद फिर अगली चीज़ जो अपन बोलते हैं कौन सी, कि अल्कोहल, ईथर और अमीन्स, इनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस नहीं हो पाती क्योंकि अल्कोहल में लीविंग ग्रुप OH नेगेटिव है, ईथर में लीविंग ग्रुप RO नेगेटिव है, अमीन्स में लीविंग ग्रुप NH2 नेगेटिव है। तो ये जो सारे लीविंग ग्रुप्स हैं क्या, दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये वीक लीविंग ग्रुप्स होते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक तो कर देता है पर यहाँ आसानी से हट नहीं पाता। इसके बाद फिर हमने कौन सी चीज़ देखी थी कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिन पर चार्ज नहीं होगा, वो क्या रहेंगे, अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं स्टेबल होने की वजह से। और तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल यदि गैसेज हो जाएं तो लीविंग टेंडेंसी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना। इसके बाद फिर अगली चीज़ जो हमने देखी थी वो कौन सी, कुछ और लीविंग ग्रुप के एग्जाम्पल, इट इज CH3SO3 नेगेटिव क्या होता है, मिसाइलेट, CH3SO3 नेगेटिव क्या होता है, ट्रिपलेट। ये इनके स्टैंडर्ड शॉर्ट नोटेशन हैं, इट इज CH3SO3 नेगेटिव, इट इज मिसाइलेट MSO नेगेटिव, ट्रिपलेट का TFO नेगेटिव। देन इट इज पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड को भी हम देखें तो उसको हम टोसाइलेट बोलते हैं, इट इज TSO नेगेटिव। देन यहाँ CH3 हटा के भी BR लगा लें तो उसको BSO नेगेटिव ब्रोसाइलेट बोलते हैं, और यहाँ ये भी NO2 लगा दें तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम नोसाइलेट, इट इज NSO नेगेटिव। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस काइनेटिक्स के बेसिस पर दो टाइप्स की होती है, वन इज व्हाट दैट SN1 में अल्कलाइड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर RNUX बनता है। रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स। तो मैकेनिज्म में RX बॉन्ड टूट कर R पॉजिटिव X नेगेटिव, दिस इज स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और सेकंड स्टेप में R पॉजिटिव पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है, वो फास्ट स्टेप होती है रिएक्शन का। वो जो रहेगा इट इज रेट लो इक्वेशन, वो क्या होता है, R = K, RX के पावर में 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर में 0 होता है। इसके बाद फिर कौन सी चीज़ रहेगी, SN1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन जो होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा इनमें, तो हम बोलेंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो सॉल्वेशन से डिराइव होती है, फिर रिएक्शन में एलिमेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर क्या रहेगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन बन रहा था तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो 2 डिग्री हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल का बनना, ये इंडिकेट करेगा कि रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना था। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन क्या रहेगा, इट इज RX = KA, R = K, RX की पावर में 1, न्यूक्लियोफाइल की पावर में 0। स्टीरो केमिस्ट्री में हमने कौन सी चीज देखी थी, तो हमने कि स्टीरो केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ तो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन बन रहा है तो जो क्या रहेगा, प्लेनर। तो इसलिए यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेड था, तो हमने बोला था एक्सपेक्टेड था यहाँ पर कि न्यूक्लियोफाइल आगे पीछे दोनों तरफ से इक्वली अटैक करे, मोस्टली वो करता भी, जिस वजह से क्या मिलेगा, इट इज रेसिमिक मिक्सचर हमको मिलता है, लेकिन ये 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता। वजह इसकी क्या होती है, हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ज़्यादा अटैक करता है बजाय फ्रंट साइड से, मतलब क्या हो जाएगा, इट इज इन्वर्जन का परसेंटेज रिटेंशन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो 100% नहीं बनता। ठीक है, तो कौन सी चीज़ अपन बोलते हैं यहाँ पर कि ना क्या हो जाएगा, इट इज SN1 रिएक्शंस में प्रिंसिपली तो रेसिमाइजेशन होता है ना मोर देन 90%, बट क्या रहेगा, इट इज पार्शियल इन्वर्जन होता है। जैसे जैसे कौन सी चीज़ होती जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परसेंटेज रेसिमाइजेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा क्या हो जाएगा, वो एक्स निगेटिव से उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा, और इस वजह से फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक जो होगा वो उतना ज़्यादा प्रॉबेबल होता है इक्वली। ठीक है, इसके बाद फिर SN2 रिएक्शंस जो होती हैं इनमें क्या रहेगा, तो हमने बोला रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है, तो रिएक्शन जो होती है वो क्या रहेगा, इट इज एलिमेंट्री होती है, मैकेनिज्म क्या रहेगा, इट इज ट्रांजिशन स्टेट या कंसर्टेड।
क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स निगेटिव न्यूक्लियोफाइल में मिनिमम रिपल्शन रहे, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया था। ट्रांजिशन स्टेट किसी बनी थी, इट इज ओपन अम्ब्रेला शेप की। यहाँ पर ना कौन सी चीज होती है, कार्बन में जो पेंटावेलेंसी थी कैसे समझाई थी हमने, तो हमने बोला था इट इज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। एक पी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन से बाहर निकलता है उसके जो दो लोब्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा एक लोब में से कार्बन हेलोजन ओवरलैपिंग खुल रही होती है, दूसरे वाले लोब में कार्बन न्यूक्लियोफाइल इनमें ओवरलैपिंग हो रही होती है। क्या हो जाएगा जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, साथ में एक्स निगेटिव बाहर निकल जाता है। ठीक है, फिर हमने कौन सी चीज देखी थी, हमने तो देखा था कि रिएक्शन की कैरेक्टरिज्म क्या था, रिएक्शन एलिमेंट्री थी, फिर इसमें एलिमेंट इफेक्ट भी हमको देखने को मिल रहा था, रेट लॉ इक्वेशन में RX के पावर में भी वन और न्यूक्लियोफाइल के पावर में भी वन आ गया था। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ जो एनर्जी निकल रही थी, रिलीज हो रही थी कहाँ से, तो हमने बताया कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, दैट इज फॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग। इसके बाद फिर हमने कौन सी चीज देखी थी, एलिमेंट इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर भी ना, फिर क्या होता है न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया था, तो यहाँ क्या होता है इट इज 100% इन्वर्जन, जिसको वाल्डन इन्वर्जन या स्टीरोकेमिकल इन्वर्जन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में।